तो अगर आपको भी गाड़ियों से जुड़ी हुई जानकारी लेना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं WRV के बारे में। दोस्तों WRV एक सब 4 मीटर SUV है होंडा की, जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, फीचर्स भी बहुत बढ़िया इसमें मिल जाते हैं आपको। ये होंडा जैज के ऊपर बेस्ड एक सब 4 मीटर है, जिसमें थोड़े से चेंजेस करके सब 4 मीटर में कन्वर्ट कर दी गई है। इसी की वजह से जैज की सेल को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो जो लोग जैज पहले प्लान करते थे वो अब WRV की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो WRV की सेकंड जनरेशन यानी कि उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, जिसे आप होंडा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो जिसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत से चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारी नज़र इसके फ्रंट बम्पर पर जाती है, जिसमें बड़ा सा शटर नुमा बम्पर लगा दिया गया है। जैसे शटर होता है वैसा इसमें ग्रिल देखने को मिलती है, जो देखने में गाड़ी के काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी प्रैक्टिकली पता नहीं कैसी होगी। बाकी अगर लाइट्स की बात करें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें देखने को मिलते हैं आपको। रियर में भी अब LED टेल लैम्प्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक बढ़िया SUV में मिलने चाहिए, जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, ऐसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं आपको इजीली। इसमें आपको वन टच यानी कि इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलती है, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती, सिंपल सनरूफ मिलती है। और तो इंजन की बात करें तो इंजन इसमें आपको अब BS6 कंप्लायंट इंजन मिलेंगे, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलेगा, जो कि आपको 90 HP की पावर देता है 110 Nm टॉर्क के साथ। उसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। जो लोग डीजल बाय करना चाहते हैं तो 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, 100 HP की पावर देता है 200 Nm टॉर्क के साथ, और ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिल जाता है। अब इन इंजन को BS6 कंप्लायंट इंजन के लिए कन्वर्ट कर लिया गया है। अगर कंपटीशन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है ब्रेजा XUV300, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन। तो अगर और फीचर्स की बात करें, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, तो अगर इसके लॉन्च की या अनवील की बात की जाए तो 16 मार्च को ये अनवील कर दी जाएगी, और 16 मार्च को ही आपको हमारे चैनल पे इसकी वॉक अराउंड और टेस्टिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 8,08,000 रुपये से और चला जाता है 10,48,000 रुपये तक डेली एक्स शोरूम प्राइस। जब BS6 कंप्लायंट इंजन इसमें कन्वर्ट होगा तो इसकी 7,000 से 10,000 रुपये तक कीमत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये सब था आज की वीडियो में BS6 कंप्लायंट WRV के लिए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।